मेरा क्वेश्चन है आपसे सीधा, आपके पास क्या कोई एक पेनफुल ड्रीम है? क्योंकि मुझे प्रूव करना था अपने आप को, मुझे प्रूव करना था अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, मुझे प्रूव करना था हिंदुस्तान के सामने, मुझे प्रूव करना था वेस्टीज के सामने कि अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है तो आपका भरोसा गलत नहीं हो सकता। जब आपका ड्रीम आपको याद आ जाए तो आप में रोमांच पैदा होना चाहिए। चैलेंजेस तो आएंगे, कोई रोक नहीं सकता इनको, होंगे। बस सवाल इस बात का कि चैलेंजेस तुम्हें तुम्हारी सक्सेस से डाइवर्ट करते हैं या तुम्हें सक्सेस में तेजी से काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तुम अगले 5 साल में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाओ, मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। अभिषेक, आप कितने साल के थे जब आपने अपने पिता को कैंसर के कारण खो दिया? लगभग 1.5 साल पहले, 22 इयर्स। प्लेटलेट्स कंटिन्यू डाउन होते जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था वो। 1.5 साल तक हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट कराया था और लगभग हमने उनको इस हालत में कम से कम 1 से 1.5 साल तक देखा था। थर्ड हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि ये एक ऐसा डेंगू जो 100 में से 2 लोगों को होता है, आपके हस्बैंड को वो हुआ है। एंड वी लॉस्ट हिम नेक्स्ट डे। आप अभी इन-लॉज के साथ रहते हैं? यस। ये समझ में आया कि उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है इस वक्त। उन्होंने बेटा खो दिया पर बेटे के रूप में एक बेटी को पाया, मैं कह सकता हूँ। 1.5 लाख पौने 2 लाख की उनकी जो सैलरी झटके में जीरो हो गई नेक्स्ट मंथ। अमिता जी, कितने महीने हुए जब हमने राजेश जी को खो दिया? जन्माष्टमी के दिन 3 सितंबर वो नहीं रहे। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपने देखे थे हमारे लिए। मैं थैंक यू तो पहले उन्हें कहना चाहती हूँ कि उन्होंने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया। और मैं कड़क बात कह रहा हूँ, तुम्हें चुभनी चाहिए ये बात जो